आदरणीय आलोक संजय जी के स्वागत के लिए शैलेन निगम जी से आग्रह करता हूं। आदरणीय उमाशंकर गुप्ता भाई साहब के स्वागत के लिए पंकज चौकसे जी से आग्रह करता हूं कि आए और स्वागत करें। हमारे पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह जी के स्वागत के लिए सतीश विश्वकर्मा जी से आग्रह करता हूं। सुदेश राय जी भी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और शैल शुक्ला जी से आग्रह कि वे आदरणीय सुदेश भाई का स्वागत करें। ग्रामीण जिला अध्यक्ष आदरणीय केदार मंडलोई जी के स्वागत के लिए राम बंसल जी से आग्रह करता हूं कि वे स्वागत करें। श्री रवि मालवी जी के स्वागत के लिए आग्रह करता हूं कि महेश मकवाना जी स्वागत करें। प्रदेश की उपाध्यक्ष आदरणीय सीमा सिंह जी के स्वागत के लिए आदरणीय अश्विनी राय जी से आग्रह करता हूं कि वो स्वागत करें। प्रदेश के मंत्री राहुल कोठारी जी के स्वागत के लिए आग्रह करता हूं कि अश्विनी राय जी स्वागत करें। और मेरा इस विधानसभा के संयोजक मनोज राठौर जी और प्रभारी पंकज चौकसे जी से आग्रह के मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। महापौर जी का बोलिए था मेरे माननीय शंकर मकोरिया जी आए और महापौर जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। अब कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ नेता आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसमें पूर्व महापौर आदरणीय सुनील सूद जी, बीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय सुनील शर्मा जी, वार्ड नंबर 7 की पार्षद आदरणीय प्रियंका मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी, आप सबसे आग्रह कि आ जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज जी भाई साहब, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी आए और सबको पार्टी का गमछा पहनाकर पार्टी में सदस्यता कराएं। आदरणीय गौतम मोरे जी, नीरज गुप्ता जी, सचिन ठाकुर जी, सत्य मिश्रा जी, सुधीर गुप्ता जी, संजय साहू जी, धर्मेंद्र खंडेलवाल जी, सुनील राय जी, जीतू यादव जी, महेश सहगल जी, सचिन मोरे जी, श्री जेपी नागर जी, वरिष्ठ समाज सेवी श्री हुकुमचंद विश्वकर्मा जी, श्री बाबूलाल भाकर जी, श्री रूप सिंह जी, श्री राकेश सिंह जी नागर और श्री महेश सिंह नागर जी। एक बार तालियां बजाते सभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। राव जी एक बार व्यवस्था बना दे थोड़ी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये सदस्य सब इधर से निकलते चले जाएंगे मंच के दयाई ओर से। राघवेंद्र दीक्षित जी, गगन घेंगड़ जी, दिलीप सेन जी भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उनका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। एक बार सभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे सभी भाइयों बहनों का स्वागत करें, तालियां बजाकर एक बार जोरदार तालियां बजा दें। सुशील जोहरी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मंच पर जिन लोगों की सदस्यता हो गई उनसे आग्रह करता, एक तरफ से मंच से आप लोग उतरते जाएंगे। राजू तिवारी जी ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बेटा
बोले भारत माता की। अब मैं हमारे भोपाल सीहोर लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय आलोक शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। माननीय आलोक शर्मा जी बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, हर हर मोदी, हर हर मोदी। मोदी है तो अब की बार मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार उनका जोरदार करतल धुनी से हम सभी लोग स्वागत करें, वंदन करें और अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी तालियों की गड़गड़ाहट से हम स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता नरेला के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी के लिए भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारी गोविंदपुरा की विधायक और मध्य प्रदेश शासन की मंत्री बहन कृष्णा गौर जी के लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के विधायक भाई भगवान दास जी सबनानी जी, हुजूर के विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारे भोपाल की महापौर मालती राय जी और हमारे सीहोर के विधायक लाडले विधायक भाई सुदेश राय जी, बेरसिया के विधायक भाई हमारे विष्णु खत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, हमारे सीहोर के सम्मानित जिलाध्यक्ष, हमारे भोपाल ग्रामीण के सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष, हमारी सीमा सिंह जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उमाशंकर गुप्ता जी, लोकसभा के प्रभारी भाई कमल पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री राहुल कोठारी जी, आदरणीय रामदयाल प्रजापति जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई विकास बीरानी जी, और आज जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है पूर्व महापौर भाई सुनील सूद जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, विष्णु राजौरिया जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई कैलाश मिश्रा जी, हमारे पार्टी के और आज जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है ऐसे कांग्रेस छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उपस्थित सभी साथियों और दोस्तों, मैं किसका नाम लूं किसका नाम नहीं लूं, मैं प्रत्याशी हूं। उपस्थित मंचा सिंह सभी नेताओं के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत सारे आगामी कार्यक्रम हैं, मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखूंगा। मेरे भोपाल के शहरी भाइयों और दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों और दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने आपके साथ लंबे समय से काम करने वाले भोपाल के एक साधारण से कार्यकर्ता, आपका बेटा, आपका भाई आलोक शर्मा को भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज मेरे लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है कि आज मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी जनप्रतिनिधियों का, भोपाल की जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर आज भोपाल सीहोर संसदीय सीट के लिए, सांसद के लिए मैं अपना नामांकन भरने जा रहा हूं। आप सबका मेरे साथ आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका लाड़, आपका प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद
2015 के महापौर चुनाव में मिला था और महापौर रहकर मेरे से जो बन सका मैंने भोपाल की जनता की सेवा करने का काम किया। आज मैं सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर हम आज जनता के बीच में जा रहे हैं। आज अगर मध्य प्रदेश में और भोपाल में अगर जो विकास हुआ है, अगर आज भोपाल स्मार्ट सिटी बना है, हेरिटेज सिटी बना है, डिजिटल सिटी बना है, ग्लोबल सिटी बना है, मेट्रो सिटी बना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बना हुआ है। आज हम प्रधानमंत्री जी की हमारी गारंटी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले 2047 में विकसित भारत के जो कल्पना देश के प्रधानमंत्री जी ने की है उसमें हम कदम ताल करते हुए अपने भोपाल को आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहूंगा आपका आशीर्वाद रहा, आपने मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया तो हम भोपाल के विकास का रोड मैप बनाएंगे। भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, सीहोर की जनता के सपनों का सीहोर कैसा हो और बेरसिया की जनता के सपनों का बेरसिया कैसा हो, इसके लिए हम एक विकास का रोड मैप जारी करेंगे और आने वाले समय में भोपाल के डेवलपमेंट का संकल्प और मैनिफेस्टो जारी करके भोपाल की जनता की सेवा करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आलोक शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे भी और नामांकन के कार्यक्रमों में समय पर पहुंचना है, इसलिए मैं पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम सबका सौभाग्य है एक बार माता जी का नारा लगाए जोरदार तरीके से। बोलिए कर्फ्यू वाली माता जी की। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, जोरदार तालियां शिवराज सिंह जी चौहान के लिए। इस अवसर पर बड़ा अभियान इस प्रकार का जो हमारा परिवार बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है, ऐसे यशस्वी हमारे अभियान के प्रभारी वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां बजाए। इस अवसर पर हमारे मंत्रिमंडल के साथी विश्वास भाई सारंग, जोरदार तालियां विश्वास भाई के लिए। शुभंकर है विश्वास जी, जहां अविश्वास होता वहां विश्वास खड़ा कर दो, असंभव का काम संभव करके दिखाते हैं, जोरदार तालियां विश्वास सारंग जी के लिए। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता जो अपनी नीतियों के कारण, अपने भावना के कारण से, अपने अंदर के उद्गार के कारण से प्रदेश में नहीं देश में सम्मान पाते और दो दो कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके, ऐसे वरिष्ठ नेता हमारे बीच पधारे माननीय सुरेश पचौरी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। हमारे अपने परिवार के वरिष्ठ के नाते से वो सम्मिलित हुए हैं। इस मंच पर ही विराजमान हमारी साथी मंत्री बहन कृष्णा जी, जोरदार तालियां कृष्णा जी के लिए, जोरदार तालियां। अपने आनंद आया बहन के लिए अच्छी तालियां बजना चाहिए। हमारे महापौर से महापौर तक क्या संयोग है, त्रिवेणी बनी महापौर की, एक महापौर हमारी मंत्री के रूप में, एक महापौर हमारे बीच में आलोक शर्मा जी जो सांसद के नाते अभी भावी सांसद के रूप में आ रहे हैं, और एक महापौर कांग्रेस से बने थे लेकिन हमारे साथ खड़े हुए, जोरदार तालियां सुनील सूद जी के लिए और उनके साथ में आए सभी पदाधिकारियों के लिए, जोरदार तालियां। भगवान दास सोमनानी जी हमारे जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी, जोरदार। कहां सुमित भाई, सुमित ना सुमंत्रो भाई, परिवार इतना बढ़ रहा है अब हमारे परिवार की हमको चिंता है लेकिन हमसे ज्यादा कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, उनको रात दिन सपने आते, झटके आते, बिजली के झटके लगते हैं ऐसे और फिर भी मानते नहीं और कैसी कैसी मूर्खता की बात करते, लेकिन उनके शब्द उनकी सारी बातें उन तक रखो, हमारा अपना तो भगवान कृष्ण और भगवान की राम की संस्कृति वाले लोग हैं। लोग कह रहे हैं आप आओगे तो कैसे रखोगे, हमने कहा हमारे दूध में शक्कर मिलती जा रही है इसका आनंद हम उठाएंगे, ये आनंद हमारे बीच में, इसका स्वाद हम ही जानेंगे। जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए, सारा भरा पूरा मंच है और जिस जगह में खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, जिस फार्म भरने के लिए हमारे मित्र मंडली जा रही है, मुझे तुरंत यहाँ के बाद भिंड और भिंड के पहले सागर फार्म भरने जाना है,
उसमें हवाई टाइम भी आएगा और 3 बजे खत्म हो जाएगी। तो हमने कहा कि हमने तो माताजी के सामने फॉर्म भगा दिया, जब से माताजी विराजमान हुई हमारा भोपाल में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे। ये बिल्कुल ऐसा मौका है कि 25 साल का हमारा अपना अभी तो रिकॉर्ड दिख ही रहा है कि लगातार एक के बाद एक, चाहे कैलाश जोशी जी हो, उमा भारती जी हो, लगातार एक के बाद आलोक संजर जी हो, हमारे कार्यकर्ता जिनने अपने काम की पहचान बनाई और वो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हो गए, सारे लोगों ने जिस जगह गौरवान्वित किया, हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता जिनको जहां खड़ा कर दो वहां दम से अपना चुनाव लड़ने जाते हैं। भाई आलोक जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, किसी सीट पे लड़ाओ वही बात नहीं, वो उत्तर वाली सीट है जो हमारी चुनौती थी वहां दम से लड़ने वाला भी चाहिए, लेकिन जहां हमारी अपनी 100% जीतने की संभावना है, यही तो कार्यकर्ताओं का भरोसा है और यही तो कांग्रेस फेल होती है और हम पास होते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को उठा करके कहां से कहां पहुंचा देते हैं, ये एकमात्र पार्टी दुनिया की ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के लिए जानी जाती है। जोरदार ताली बजा नड्डा जी के लिए। और ये जो चुनाव हमारा चुनाव तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, हम सब सौभाग्यशाली हैं अपने सामने एक ऐसा इतिहास बनते देख रहे हैं। पूरी मेजोरिटी के बाद अपने बलबूते पर विपक्षी दल के लोग, उसमें यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जोरदार ताली बजाओ, हमारे प्रदेश से जिनने जाकर के दुनिया में अपनी सरकार बन सकती है दिखाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और उससे आगे ले जा रहे हैं हमारी पार्टी को और पूरे देश को। कभी कोई कल्पना कर सकता था कि अपने यहाँ बलबूते पर 2014 में जिन्होंने पूरी मेजोरिटी से सरकार चलाई, जोरदार ताली बजाओ 2014 की। और मध्य प्रदेश वाले और आगे हैं, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब और पूरी भाजपा उस समय की जब 27 सीट जीते 2014 में, 2019 में 28 जीते और अब की बार छिंदवाड़ा पार है, बोला भारत माता की। हम और आप संकल्प करें, भोपाल की सीट तो वो सीट है जो जीत के हर बार नए नए रिकॉर्ड बना रही, ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ती जाएगी, क्योंकि भोपाल में जो खंभ गड़ा है, ये भोपाल में गाड़ा हुआ खंभ हमको अपने पूरे प्रदेश में सबसे अलग दिखना चाहिए। हम सब तैयार हैं, तो अपने हाथ में मुट्ठी बांध करके संकल्प करो, एक एक कार्यकर्ता बहने आप ही संकल्प करो, एक एक कार्यकर्ता जब तक आखिरी वोट नहीं डल जाए हम शांति से नहीं बैठेंगे। मेरे साथ बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। अब आप अनुमति दो तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, भाई साहब फॉर्म भरने जाएंगे, जोरदार ताली बजा के आप सब परमिशन देने का मुझे कष्ट करें, मैं आप यही से निकलना चाहता हूँ। बोले भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हेलो, धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हेलो, बोले भारत माता की। आप सबको अपने स्थान पर ही बैठना है। अभी माननीय शिवराज जी भाई साहब का उद्बोधन बाकी है, इसके बाद हम सब कार्यकर्ता नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट की तरफ चलेंगे। बोलिए भारत माता की। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमने पूरे देश में शुचिता की राजनीति के सत्य मिश्रा जी, सुधीर गुप्ता जी, संजय साहू जी, धर्मेंद्र खंडेलवाल जी, सुनील राय जी, जीतू यादव जी, महेश सहगल जी, सचिन मोरे जी, श्री जेपी नागर जी, वरिष्ठ समाज सेवी श्री हुकुमचंद विश्वकर्मा जी।